मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमर सिंघार ने कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मोहम्मद सुलेमान और निशांत बरबड़े को मगरमच्छ बताते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से पूछा है कि उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है। मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज घोटाले में शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिलिंग की तत्कालिक रजिस्ट्रार सुनीता शीजू को बर्खास्त कर दिया गया था। उनका मूल पद स्टाफ नर्स का था। इस कार्यवाही की सराहना करते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमर सिंघार ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बड़े मगरमच्छों को क्यों छोड़ा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, स्वास्थ्य विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान और निशांत बरबड़े को मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज घोटाले का भागीदार बताया है। उमर सिंघार ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से अपील की है कि वह मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज घोटाले के मुख्य आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करें। देखिए, मैं नर्सिंग कॉलेज की जो घोटाले है, इसकी जो बड़े मगरमच्छ है, कल एक बर्खास्त किया सुनीता सीजू को, तो मैं समझता हूँ कि वो छोटी मछली है। और इस पूरे काउंसिल, जो नर्सिंग काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल को किन्ने ऑपरेट किया, क्या नर्सिंग काउंसिल के अंदर जो इलेक्टेड लोग रहना था उनको क्यों नहीं आपने नियुक्त किया? तो क्यों सरकार ने इस नर्सिंग काउंसिल को अपना टेकओवर किया? तो सीधे सीधे दिखता है कि अगर आप तीन तीन साल में अगर मान्यता एक्सटेंड कर रहे हो, तो सरकार के मंत्री विश्वास सारंग, इनके ओएसडी महेंद्र गुप्ता, इनकी क्या इसमें रही भूमिका? सुलेमान एसीएस स्वास्थ्य के, मेरे को तो समझ में नहीं आता मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग में कैसे रख रहे, जो इतने घोटाले कर रहे हैं कोरोना काल के समय से, आरटीपीसीआर जमाने की बातें हो चुकी। तो निशांत बरबड़े, ये लोग मेन कल्प्रेट है, मैं तो ये कहना चाहूंगा, इन पे कार्रवाई होना चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।